गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, वेलकम टू द क्लास। लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि तंग राजा ने एक पेंटर वु डाउजी को आदेश दिया कि वे उसकी महल की दीवार को सजाने के लिए एक पेंटिंग बनाए, और वु डाउजी ने पेंटिंग बनाया और बाद में जो तंग राजा है जुआंगजोंग, उन्होंने उनकी बहुत तारीफ की। लेकिन जैसे ही वु डाउजी ने टैप किया तो गुफा का जो द्वार है वह खुल गया और जो पेंटिंग है वह गायब हो गई। इस प्रकार इस पेंटिंग में यह बताया गया है कि किसी भी पेंटिंग को हम माइंड के जरिए भी देख सकते हैं, है ना, मतलब अपनी आत्मा के द्वारा उस पेंटिंग को हम देख सकते हैं और उसमें प्रवेश कर सकते हैं। और एक सेकंड जो कहानी थी, स्टोरी थी, वह थी क्वेंटन मैक्सिस के बारे में थी। उन्होंने चित्रकार के स्टूडियो में गया हुआ और उन्होंने एक मक्खी की जो तस्वीर बनाई, है ना, चित्र बनाई, जो कि बहुत ही रियल थी। और बाद में क्विंटन मैक्सिस की शादी उसकी जो प्रेमिका थी उनके साथ हो गई। इस प्रकार दो कहानियों के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था, जिसमें जो फर्स्ट जो स्टोरी थी वह चाइनीज पेंटिंग के बारे में थी और जो सेकंड स्टोरी थी वह वेस्टर्न पेंटिंग के बारे में थी। अब हम आगे बढ़ते हैं, तो सबसे पहले देखते हैं हम वर्ड मीनिंग। बोरो मींस होता है उधार लेना, हॉरिजॉन्टल समांतर, स्पिरिचुअल आध्यात्मिक, लिटरली शाब्दिक अर्थ, वर्टिकली सीधा, स्टेबल मीन्स होता है स्थिर, वार्म मीन्स होता है गर्म, मॉइस्ट मीन्स होता है गीला, फ्लूइड मीन्स होता है द्रव्यमान, इंटरैक्शन मीन्स होता है अंतःक्रिया। तो चिल्ड्रन आज हम आगे बढ़ते हैं, तो आप लोग पेज नंबर 35 निकालिए और लास्ट पैराग्राफ देखिए। A classical Chinese landscape is not meant to reproduce an actual view, as would a Western figurative painting. जो Chinese painting है, जो प्राचीन Chinese painting है, वह वास्तविक दृश्य नहीं बताता, है ना? किसी भी जो चित्र बनाया जाता है या जो painting बनाई जाती है, उसका वास्तविक दृश्य नहीं बताता। मतलब जैसा चित्र दिख रहा है, उसी के अनुसार चित्र को नहीं देखा जाता, है ना? मतलब चीनी जो पेंटिंग होती है उसमें कुछ एरिया जो है वह ब्लैंक होता है, मतलब उस ब्लैंक एरिया में अपने माइंड से हमें प्रवेश करना है, है ना, मतलब अपने माइंड से हमें देखना है, अपने कल्पना से उस चित्र को देखना है और उसमें प्रवेश करना है, ठीक है। जिस प्रकार वेस्टर्न पेंटिंग में होता है, वेस्टर्न पेंटिंग में क्या होता है, जैसा चित्र हमें दिखता है उसी के अनुसार हम चित्र को देखते हैं, लेकिन चाइनीज पेंटिंग में इस प्रकार नहीं होता, हमें अपनी मन की आंखों से उस पेंटिंग को देखना है। Where is the European painter wants you to borrow his eyes and look at a particular landscape exactly as he saw it from a specific angle. जबकि जो यूरोपियन पेंटिंग पेंटर है वह चाहता है कि हम उनकी पेंटिंग को उन्हीं के आंखों से देखें, मतलब जैसा यूरोपियन पेंटर ने पेंटिंग बनाया है उसी के अनुसार हमें पेंटिंग को देखना है, मतलब जिस प्रकार पेंटिंग दिख रहा है। यदि पेड़ पौधे दिख रहे हैं तो हमें पेड़ पौधे देखना है, पहाड़ है तो हमें पहाड़ देखना है, मतलब एग्जैक्ट जो पेंटिंग बनाया है यूरोपियन पेंटर ने उसी के अनुसार हमें उसे देखना है, मतलब किसी भी एंगल से हमें जैसा उसने पेंटिंग बनाया है उसी के अकॉर्डिंग हमें देखना है। द चाइनीज पेंटर डज नॉट चूज अ सिंगल व्यू पॉइंट, बल्कि जो चाइनीज पेंटर है, जो चीनी जो चित्रकार है, वह एक सिंगल व्यू पॉइंट नहीं दिखाता, मतलब कि उसी के अनुसार हमें, मतलब चाइनीज पेंटर के अनुसार हमें किसी चित्र को नहीं देखना है, मतलब अपनी मन की आंखों से या अपनी आत्मा से उस चित्र को हमें देखना है, मतलब हमें उस चित्र में प्रवेश करना है, है ना, मतलब अपनी मन की आंखों से, किसी भी देखने वाले को चाइनीज जो पेंटिंग है उसे अपनी मन की आंखों से देखना है। His landscape is not a real one and you can enter it from any point. Then travel in it. The artist creates a path for your eyes to travel up and down, then back again in a leisurely moment. जो landscape होता है ना, जो Chinese painting होता है, उसमें क्या होता है? Landscape होता है, प्राकृतिक भूदृश्य होता है। तो प्राकृतिक भूदृश्य जो है वह वास्तविक जो चित्र है उसे नहीं बताता, है ना? उसमें क्या होता है कि जो पेंटर है, चाइनीज जो पेंटर है, वह किसी भी व्यूअर्स के लिए, जो देखने वाले हैं, उनके लिए एक क्या बनाता है, एक
रास्ता बताता है, एक मार्ग दिखाता है, है ना। मतलब कोई भी जो व्यूअर्स है, देखने वाले है, वो अपने मन की आंखों से उस पेंटिंग को देख सकते हैं या उसमें प्रवेश कर सकते हैं, और उस पेंटिंग में प्रवेश करके, मतलब उस पेंटिंग में घूम करके वापस आ सकते हैं। या यह कहा जा सकता है कि यदि हमें पहाड़ दिख रहा है चाइनीज पेंटिंग में, यदि हमें पहाड़ दिख रहा है, तो यह हम सोच सकते हैं या माइंड कर सकते हैं कि पहाड़ में गुफा है, गुफा का द्वार खुल जाएगा और उसमें प्रवेश कर सकते हैं, वहां जो भी है ना, वह हम देख सकते हैं। इस प्रकार सोचना है, अपनी मन की आंखों से उसे देखना है, या अपनी आत्मा से चाइनीज जो पेंटर है वह चाहता है कि हम उनकी पेंटिंग को उसी प्रकार देखें और उसमें घूम सके, उसमें प्रवेश कर सकते है ना। दिस इज अ even more true in the case of the horizontal scroll, in which the action of slowly opening one section of the painting, then rolling it up to move on to the other, adds a dimension of time which is unknown in any other form of painting. मतलब जो चाइनीज पेंटिंग है उसे एक समांतर कागज पर बनी हुई पेंटिंग के अनुसार हम देख सकते हैं। यदि क्या होता है कि समांतर कागज में जो पेंटिंग बनाई जाती है, उसे सबसे पहले पेंटिंग को मोड़ा जाता है, उसके बाद पेंटिंग के आगे जो चित्र बना है उसे देखा जाता है, उसके बाद फिर से बैक करके पेंटिंग को रख दिया जाता है। तो जो चाइनीज पेंटिंग है उसकी तुलना समांतर कागज पर बनी हुई पेंटिंग के अनुसार की गई है, जिसमें समय का आयाम जुड़ा हुआ होता है। मतलब समांतर कागज में जो पेंटिंग बनी होती है ना, उसकी जो पेंटिंग कैसी होती है, जैसे हम पेंटिंग को खोल रहे हैं तो अपने मन से सोचना है कि और आगे क्या हो सकता है पेंटिंग में, है ना, और इस प्रकार किसी अदर पेंटिंग में नहीं होता, है ना। जो चाइनीज पेंटिंग में होता है, हम मन की आंखों से चाइनीज पेंटिंग को देखते हैं, लेकिन दूसरी पेंटिंग में इस प्रकार नहीं होता। इट आल्सो रिक्वायर्स द एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ द व्यूअर। जो चाइनीज पेंटिंग में है क्या होता है, जो भी देखने वाले है वह उसकी सक्रिय भागीदारी होती है, मतलब वह किसी पेंटिंग को किस प्रकार देखता है। Who decides at what pace he will travel through the painting, a participation which is physical as well as mental। मतलब चाइनीज जो पेंटिंग है उसे कोई व्यूअर्स किस प्रकार देखता है ना, और उसमें किस प्रकार भ्रमण करता है, और जो उसका जो भागीदारी होती है, किसी भी व्यूअर्स की, देखने वाले की जो भागीदारी होती है वह फिजिकल भी होती है। चाइनीज पेंटिंग में किसी भी देखने वाले की जो भागीदारी होती है वह कैसी होती है, फिजिकल होती है और मेंटल भी होती है। मतलब चाइनीज पेंटिंग में कुछ कुछ चित्र तो बना होता है, उसके अकॉर्डिंग देखना है, मतलब फिजिकल हो गया, उसके बाहर रूप को देखना है, और एक जो कुछ कुछ एरिया है वह ब्लैंक होता है, तो उसे मेंटलिटी देखना है, मतलब माइंड से उस चित्र को हमें देखना है, उस चित्र में हमें प्रवेश करना है। The Chinese painter does not want you to borrow his eyes. He wants you to enter his mind. Chinese painting यह नहीं चाहता, जो Chinese painter है वह यह नहीं चाहता कि हम किसी भी चित्र को उनकी आंखों से देखें, मतलब उन्हीं के अनुसार देखें, बल्कि वह यह चाहता है कि हम उनकी जो चित्र है उसे अपनी मन से देखें, अपनी mind से देखें। The landscape is an inner one, a spiritual and conceptual space. जो landscape होता है चाइनीज पेंटिंग में, जो लैंडस्केप होता है, प्राकृतिक भूदृश्य होता है, वह कैसा होता है, इनर वन आंतरिक होता है, स्पिरिचुअल अध्यात्म से रिलेटेड होता है, और वैचारिक होता है, मतलब हम उसके पिक्चर या चित्र को वैचारिक विचार करते हुए देख सकते हैं और उसमें घूम सकते हैं, फिर से बैक हो सकते हैं, मतलब वापस आ सकते हैं। इस प्रकार चाइनीज पेंटिंग के बारे में बताया गया है। This concept is expressed as sensui. जो चाइनीज पेंटिंग है उसे sensui के द्वारा व्यक्त किया गया है, है ना। चाइनीज पेंटिंग को sensui के द्वारा व्यक्त किया गया है। Literally, mountain water which used together represent the word landscape, है ना। sensui का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, mountain water, पर्वत और जल, है ना। और ये जो दोनों पर्वत और जल है वह लैंडस्केप को, प्राकृतिक भूदृश्य को रिप्रेजेंट करते हैं या उसे बताते हैं। मोर देन टू एलिमेंट्स ऑफ एन इमेज, दिस प्रेजेंट टू कंप्लीमेंट्री पोल्स। किसी भी चित्र के दो तत्व होते हैं जो दो ध्रुव को प्रदर्शित करते हैं, है ना।
सेंसुई के अनुसार क्या होता है, सेंसुई का शाब्दिक अर्थ क्या है, माउंटेन वाटर, और उसके अनुसार जो लैंडस्केप है वह दो ध्रुव को व्यक्त करते हैं, मतलब किसी भी चित्र का दो ध्रुव होता है ना, रिफ्लेक्टिंग द डाउज व्यूज ऑफ द यूनिवर्स, जो दाऊवाद के जो चित्र है या पेंटिंग है उसको बताते हैं, है ना। द माउंटेन इज यांग, माउंटेन क्या है, यांग है, यांग मींस क्या होता है, पर्वत, है ना, माउंटेन क्या है, यांग है, रीचिंग वर्टिकली, मतलब यांग मींस होता है, जो चाइनीज वर्ड में क्या होता है, यांग मींस होता है पर्वत, रीचिंग वर्टिकली टुवर्ड्स हेवन, पर्वत कैसा होता है, सीधा खड़ा होता है, और हेवन मतलब आकाश, है ना, या स्वर्ग की ओर होता है, सीधा खड़ा होता है, स्टेबल वार्म एंड ड्राई इन द सन, और जो पर्वत है वह कैसा होता है, स्थिर होता है ना, वह गर्म होता है और वह धूप में सूखा होता है, ऐसी होता है ना, पर्वत की जो प्रकृति यही होती है ना, वो कैसा होता है, स्टेबल स्थिर होता है, गर्म होता है और धूप में वह। व्हाइल द वॉटर इज यीन, यीन मीन्स होता है नदी या जल, है ना, हॉरिजॉन्टल एंड रेस्टिंग ऑन द अर्थ, फ्लूइड मॉइस्ट एंड कूल, और जो नदी है या जल है वह कैसा होता है, समांतर होता है और पृथ्वी पर लेटा हुआ होता है ना, नदी की जो प्रकृति है वो कैसी होती है, समांतर होती है, पृथ्वी पर लेटी हुई होती है, इसमें नमी होती है और इसमें गीलापन और यह ठंडा होता है ना, जो रिवर की प्रकृति ऐसी होती है। द इंट्रेक्शन ऑफ यिन द रिसेप्टिव फेमिनाइन एस्पेक्ट ऑफ यूनिवर्सल एनर्जी एंड इट्स काउंटर पार्ट यांग एक्टिव एंड मैस्कुलाइन इज वन इज ऑफ कोर्स फंडामेंटल नोशन ऑफ डाओइज्म, है ना, तो जो यीन है वह फेमिनाइन होती है, मतलब नारी का इसमें स्वरूप होता है, और इसका जो काउंटर पार्ट है, इसका जो प्रतिरूप है यांग, जिसे पर्वत कहा जाता है ना, वह मैस्कुलाइन है, मतलब पुरुष का स्वरूप है, और यह जो दाऊवाद के बुनियादी जो धारणा है उसे बताता है, मतलब दाऊ जो दाऊजी जो पेंटर है ना, चाइनीज पेंटर, उसके बारे में यीन और यांग बताता है। व्हाट इज ऑफन ओवरलुक्ड इज एन एसेंशियल थर्ड एलिमेंट द मिडिल वॉइड वेयर देयर इंटरैक्शन टेक्स प्लेस, और जो थर्ड एलिमेंट है ना, पर्वत और जो नदी है या जल है, उसके बीच में क्या होता है, शून्य होता है, जो हमें दिखाई नहीं देता, लेकिन वह जो थर्ड एलिमेंट है, तीसरा जो तत्व है, पर्वत और जल के बीच में क्या होता है, शून्य होता है ना, स्पेस होता है, जो हमें दिखाई नहीं देता, और यह बहुत ही महत्वपूर्ण है, और इन दोनों की जो इंटरेक्शन है, जो प्रतिक्रिया होती है, पर्वत और जल के बीच में जो इंटरेक्शन होता है, जो प्रतिक्रिया होती है, वह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दिस कैन बी कंपेयर्ड विद द योगिक प्रैक्टिस ऑफ प्राणायाम, और इसे जो पर्वत और जल के बीच में जो शून्य होता है, जो हमें दिखाई नहीं देता, उसकी जो तुलना है वह योगिक प्रैक्टिस प्राणायाम से की गई है, जो योग है प्राणायाम जो आप लोगों ने सुना है उससे की गई है। ब्रीथ इन रिटेन ब्रीथ आउट, है ना, प्राणायाम में क्या होता है, सांस अंदर लिया जाता है, फिर रोका जाता है सांस को, उसके बाद सांस को बाहर किया जाता है, यह क्या है, प्राणायाम है। द सस्पेंशन ऑफ ब्रीथ इज द वॉइड वेयर मेडिटेशन ऑकर्स, तो जो ब्रीथ जो रोका जाता है, सांस को रोका जाता है, वह शून्य है, हमें दिखाई नहीं देता, लेकिन वही क्या होता है, मेडिटेशन होता है, साधना होती है, जब सांस को हम रोकते हैं। द मिडिल वॉइड इज एसेंशियल, नथिंग कैन हैपन विदाउट इट, तो जो बीच का जो शून्य है, पर्वत और जल के बीच में जो शून्य है, वह क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण है ना, जिस प्रकार योग होता है, प्राणायाम में होता है, सांस को जब हम रोकते हैं तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्रिया होती है, तो वह बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इसके बिना कुछ भी संभव नहीं है। हेयर द इम्पोर्टेंस ऑफ द वाइड अनपेंटेड स्पेस इन चाइनीज लैंडस्केप, इसलिए चाइनीज जो लैंडस्केप है, चाइनीज जो पेंटर पेंटिंग है, उसमें जो लैंडस्केप है वह बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, इसलिए चाइनीज जो पेंटिंग होती है उसमें सफेद जगह का महत्व है, मतलब चाइनीज जो पेंटिंग होती है वह कुछ कुछ उसमें पेंटिंग तो होती है, लेकिन जो ब्लैंक होता है, जहां कुछ भी नहीं होता, जहां व्हाइट होता है ना, उसका ज्यादा महत्व है, क्योंकि व्हाइट जो ब्लैंक
स्थान होता है उस जगह पर अपने आत्मा के द्वारा या अपने मन से हमें सोचना है। इसलिए जो पर्वत और जल के बीच में जो वॉइड होता है, जो शून्य होता है, वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम आगे बढ़ेंगे। आप लोग वर्ड मीनिंग को कॉपी में नोट कर लीजिए और इस लेसन को केयरफुली पढ़िए और हिंदी मीडियम हिंदी जो मीनिंग है सॉरी हिंदी जो मीनिंग है उसे समझने की कोशिश कीजिए।